the city of dream, Maya Nagri, maximum city. This city has a lot of name, but this Maya Nagri generates the maximum amount of waste on the daily basis, which is almost 9,000 tons daily. And this waste is dumped in three open garbage dumps. And one of them is Deonar Dumping Ground, which is Asia's largest. Established in 1927, the Deonar Dumping Ground spread across 132 hectares and receive around 3,000 metric tons of garbage every day. For 90 years, the municipality has been dumping unsegregated garbage here in a hazardous manner. We spoke to Masum Ansari, one of the guard working on the dumping ground, to get an insight about the life of the people working there. Masum Ansari. Masum, how much time have you been working here? I've been working here for 8 months. How do people live here? They live here, they eat here, they eat here. Yes, here. यहीं पे और अगर ये डंपिंग ग्राउंड बंद हो जाए तो क्या होगा फिर इसका? बंद हो जाए फिर अपना दूसरा ढूंढना पड़ेगा लेकिन अभी ये जिंदगी अपन ये जिंदगी प्रायोरिटी मिलता है तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करके आप खुश हैं यहाँ पे खुश होते हैं और यहाँ पे जो लोग आते हैं कचरा उठाने वो खुश है वो भी खुश होते हैं वो पेट से दूर चल रहा है वही रोजी तो है तो ये इनकी रोजी है कहाँ नौकरी दिया तो ये करते क्या कचरा उठा के कहाँ बेचने जाते ये बेचते भंगा दुकान बेचते भंगा How these people live in such condition, inhaling the toxic gas that comes out from you. Pickers, which amounts to approximately 4,500 from among the people residing there to make their ends meet. They earn a mere amount of about 200 to 400 rupees a day after spending prolonged hours in the dumping ground. 89 se Bombay mai aaya hu. Gayak Mohammad Rafi Nagar pe. Aur mera naam hai Lala Paju Khan. इतने साल से रहता हूँ हमारे इससे पहले भी झोपड़ा जली है उस टाइम हमारे बीएमसी के पास नहीं था झोपड़ा उस टाइम को एक आदमी के 600 रुपये मिला और उसके बाद से अभी हम लोग परेशान हैं एमपी एमएलए नगर से आते हैं जीतते हैं माँ भाई बहन वोट दीजिए वोट के जीतने के बाद में आज तक कोई आके नहीं बोलते कि आपका रूम का हालत क्या है ना हमारे यहाँ लाइट की सुविधा है ना संडाल की सुविधा है ना पानी की सुविधा है यहाँ तक कि अभी तक रोड नहीं बनी 25 साल हो गया 20 साल हो गया कप्तान बनते हुए आज तीन एमएलए आ गए पाँच पच्चीस नगर से आ गए आज 10 साल को नगर से आ गए या कोई बुला नहीं आ गया हम तुम्हारा कप्तान तैयार कर रहा हूँ अगर ये डंपिंग ग्राउंड बंद कर देते तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी इसके बाद हमारी ज़िंदगी भूख प्यास से दिन गुजारेंगे और क्या होगा हम लोग डंपिंग में आज तक हम चुनते आए चुनेंगे The resident around the Deonar dumping ground in Mumbai, for them, breathing in dirty and polluted air is not just a matter of minutes. It's a critical part of their life. The height of the garbage in this overburdened open landfill reaches 55 meters, in spite of 35 meters being declared as the maximum it can go. It should have been closed in 40 years, which is the norm across the globe. An open landfill does not continue beyond 4 decades. Obviously, it hasn't happened in this case. 40 aur 4 hai aur जब मैं जाती हूँ सुबह 9-10 बजे से शाम को 4 बजे मैं घर पे आ जाती हूँ 100-150 रुपये का मैं माल चुनती हूँ रोज का पकड़ेंगे महीने का 3,000 रुपया होता है डंपिंग ग्राउंड बंद हो जाता तो क्या होगा वही तो परेशानी सबको सब भूखे मरने का टाइम आता है कि कहीं काम पे भी जाते तो क्या बोलते कि आपकी उम्र देख के कैसा क्या काम पे लगाइए कि सरकार कोई सुधार नहीं करती ज़्यादा करके औरत लोग को तकलीफ है उधर का आदमी लोग को नहीं औरतों को तकलीफ है क्या तकलीफ है औरतों को वहाँ पे वहाँ चुनने को जाते हैं कचरा चुनने जाते हैं ना तो चुनने नहीं देते वो उनसे लोग ये सब लोग चुनने नहीं देते भगा देते कोई 200-300 दिन भर में हो जाता उन लोग मतलब बच्चों का पेट भर सकता उसमें अगर ये डंपिंग बंद हो जाता है तो क्या जिंदगी रहेगी उसके पास यही बैठना पड़ता है कोई काम ही नहीं आता ना उन लोग को रास्ते के लिए कमाने का कोई रास्ते नहीं कमाने का कोई पढ़ा लिखा नहीं है चाहे नौकरी कर सके आगे वो भी नहीं This is a big question on the municipality's waste management capabilities, which deserves an immediate thought. The life of the dumpers on the Deonar dumping ground is very difficult and different from the life that we live in the city. We still have hope with the government that one day everything will be good, but the government seems to be doing nothing about it. This is Imran Ismail with cameraman Azim Sayed for Studio Talk.